रात के अभी 3 बज रहे हैं और एकदम दोबारा से बारिश शुरू हो गई। आप ये देख सकते हैं, वाह जी वाह, बादल गरज रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो मैं अभी बस जस्ट काम करके उठा ही था और बाहर मुझे ऐसा लगा कि बारिश हो रही है, और वाकई बारिश हो रही थी। तो अभी तकरीबन बज रहे हैं 6:30 और मौसम आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हुआ है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे 3 बॉन्ड रह गए थे प्राइस बॉन्ड निकलते निकलते, लेकिन पिछले साल मेरे पास एक 200 रुपये का बॉन्ड पड़ा था जो मैं चेक ही नहीं करा था। वो मैंने लास्ट में आके जो लास्ट महीने थे उनमें चेक किया था, तो मेरा 3 लाख का पहला इनाम निकलते निकलते सिर्फ एक नंबर से रह गया था। तो वो मैंने जस्ट ढूंढना है और वो भी आपको दिखाऊंगा। मैंने कहीं यहाँ पर अपनी दराज में रखा हुआ तो है, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा। अभी मैंने देखा है, लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा। तो वो भी, लेकिन एक मसला और भी हो गया है। बारिश हो गई है, इतना ज़बरदस्त मौसम हुआ है, लेकिन एक मसला ये हो गया कि मैंने यहाँ पर चिड़ियों के लिए देखें रोटी डाली हुई है, साथ में मैंने यहाँ पर 2 जगह पे पानी भी डाला हुआ है ताकि वो पी सके। गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई थी हम लोगों के इधर, तो महकमा मौसमियात भी यही बता रहा था कि जी 4 दिन बारिश होगी, 5 दिन होगी, लेकिन हो ही नहीं रही थी। और बिलाखिर आज माशाल्लाह से बारिश हो गई है, लेकिन मसला ये बन गया है कि ये आप देख सकते हैं, अब ये वो लोग चिड़िया वगैरह खाएंगे नहीं। चिड़िया आप देख सकते हैं सामने, बिल्कुल ये सामने बैठे हुए हैं। ये हमेशा यहाँ आके सुबह के टाइम में यहाँ रख के जाता हूँ ये थोड़ी बहुत रोटी, तो ये खाती हैं। लेकिन मसला ये है कि अब ये गीली हो गई हैं, तो इनके लिए अभी थोड़ी देर तक मेरा दिल है कि अभी मैं उठा रहा हूँ और फिर जाके इनके लिए कोई नान वगैरह ले कर आऊँ, तो फिर वो इधर डालूँगा इसको सुखा कर। मेरा ख्याल से बाज बैठा हुआ है सामने, हाँ वही है, इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा। वाह जी वाह, माशाल्लाह क्या मौसम है भाई, काले बादल छाए हुए। चलो यार बाज़ार चलते हैं, कुछ चीज़ें वगैरह ले लूँ। अच्छा भला सुबह मौसम था और अभी धूप निकल आई है। चलो ये चलते हैं। ये जी दोबारा छली मिल गई है, ज़बरदस्त। ये जी ले लिए छली, अब ये तो वो खाएंगी नहीं चिड़िया, ख़राब हो गया। अब इसको आप ज़ाया करते हैं। इसमें पानी भी भरना है, इसमें भी पानी भरना है यार, दोनों आधे आधे हुए हैं लेकिन साफ़ नहीं है। ये अब साफ़ हो गया, इसमें अभी रोटी डालता हूँ। सबसे पहले इसमें पानी तो डाल लूँ। ये भी डल गया, दोनों में तो पानी डाल दिया, इसमें बस रोटी डालता हूँ उनके लिए और फिर चलते हैं। बस ये डाल दिए, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि ये नरम रहे, ठीक है, ज़्यादा नहीं। वो बारिश की वजह से कुछ ज़्यादा ही ना वो ख़राब हो गया था, तो अब ये अब तैयार हो गया, अब चलते हैं वापस। ओ जी ये लो जी, आसिफ अली भी गया। हाँ इधर कहाँ ढूंढूँ यार, इधर तो जंजाल बर्पा हुआ हुआ है, एक एक चीज़ निकालनी पड़ेगी। इसमें नहीं है यार, छोटा सा बॉन्ड है, यहीं कहीं होना चाहिए, मैंने यहीं कहीं रखा है। इसमें देखें ये रहा, ये जी हाँ यही है, मिल ही गया आखिर का, चेक करते हैं। तो ये मैंने खोल लिया अपने मोबाइल में वेबसाइट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बॉन्ड था, वो एक ही बॉन्ड था मेरे पास, तो और मुझे याद था ये कब मेरा, मैंने इसे चेक किया था। अभी मैं इसके यहाँ पे चेक करता हूँ, ठीक है। अब इसको यहाँ ऊपर करते हैं, तो पहला नंबर नहीं था ये, देखें पहला नंबर नहीं है ये, और इसमें दूसरे नंबर में ये देखें, ये नंबर है 5914 या बेहट यार 59, अबे फिर आगे 5914 89, तो ये आप देखें 5910 89, एक नंबर से रह गया। तो ये तकरीबन आप देख सकते हैं ये है 2.5 लाख रुपए का इनाम। मैं 3 लाख लगा था, 3 लाख पहले थे 2021 में, जब 40,000 का सबसे बड़ा बॉन्ड हुआ करता था। अब 40,000 का बॉन्ड भी नहीं है, अब 25,000 वाला बॉन्ड भी ख़त्म कर दिया, 15,000 वाला भी ख़त्म कर दिया, और 7,500 वाला भी बॉन्ड इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसे मनी लॉन्ड्रिंग और भी लोग ना पैसे वगैरह जो हवाला हुंडी जो होती है जो उसके चक्कर में ना बहुत ज़्यादा लोग ना गबन करते थे, इसलिए वो बड़ी करेंसी ख़त्म करके अब सबसे बड़ा जो प्राइस बॉन्ड है वो 1500 वाला है। तो मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरा एक 200 वाला बॉन्ड था जो निकलते निकलते रह गया, वो ये वाला था। मैंने ऐसे ही संभाल के रखा हुआ था इसको यादगार के तौर पर कि कभी हमारा भी इतना नेड़े टेढ़े काम लगा है, लेकिन बस नहीं निकल पाया। देखिए यहाँ 10 है और यहाँ 14 है, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अभी चिड़ियों का दाना डाल के बस नीचे ही गया हूँ, मैंने कहा सर्दी अभी आ जाएंगी, बारिशें शुरू हो गई हैं, तो कालीन उठा लेता हूँ। कालीन ऊपर ले के गया हूँ तो हाथों में दर्द बैठ गया, मैंने कहा मैं कोई ना
मेडिसिन ले लेता हूँ। ये जी गोली ले ली है ब्रेक्सिल, ये अगर आपके हाथ में दर्द वगैरह या कहीं कमर में दर्द निकल रहा है तो उसके लिए अब ये लेते हैं। लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि जाऊँ और जाकर एक शॉर्मा लूँ। चलें शॉर्मा लेने चलते हैं। शॉर्मा तो ले लिया है लेकिन शॉर्मा अभी नहीं खाएंगे, अभी जाएंगे सबसे पहले चौधरी के पास चिप्स खाने हैं। वो कब से मुझे फ़ोन कर रहे हैं तो चलते हैं चौधरी की चिप्स खाने। तो अभी हम आ गए हैं चौधरी साहब के पास चिप्स खाने, और आज का ब्लॉग यहीं तक ही था। अल्लाह हाफिज़।